नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीसेंट इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की पांच सबसे खतरनाक कीड़े मकोड़ों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखने के बाद आपको तुरंत दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि यह छोटा सा जीव आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी बन सकता है जिनके बारे में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। डेंगू मुखी, ये क्यूट सा दिखने वाला कीड़ा कितना खतरनाक हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसे छूने मात्र से ही आपको जोर का झटका लगेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती पर एक जहरीला पदार्थ होता है जो इस पर लगे कांटों से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो कुछ ही समय बाद एक कीड़ा में बदल जाता है। इसकी लंबाई एक माचिस की तिल्ली जितनी होती है। जैपनीज माउंटेन लीच, ध्यान से इसे देखें। ये एक कमाल की डांसर है जो आपको किसी पत्थर या पेड़ों की पत्तियां पर अपने शिकार का वेट करते हुए दिख जाएगी, जिसकी चलने की स्टाइल आपको सच में चौंका देगी। अगर आप भी जैपनीज माउंटेन से गुजर रहे हो तो इससे बचकर ही चलना, क्योंकि ये आपके कपड़ों में या फिर जूतों के अंदर घुसकर आपकी चमड़ी के साथ चिपक जाएगी। साथ ही साथ अपने अंदर का जहर आपकी शरीर में उगलने लगेगी, जिसका एहसास आपको कुछ समय बाद होगा। हंट्समैन स्पाइडर, ज़्यादातर मकड़ियाँ अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनकर उनके फंसने का वेट करती है, लेकिन ये स्पाइडर अपने शिकार को खोजने के लिए कहीं पर भी निकल जाती है, और जैसे ही उनको शिकार दिखता है तो वह उस पर झपट्टा मार देती है, जो काफ़ी ताकतवर और तेज़ होती है। वही इसके पैरों की साइज इनके शरीर के दोगुनी होती है, जो दौड़ते समय इनके स्पीड को बढ़ा देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जहर नहीं होता है, इसलिए यह आपको डरा तो सकती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। स्कॉर्पियन फ्लाई, ये एक उड़ने वाला एक बिच्छू है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एक लंबे चोंच, उड़ने के लिए एक पंख और शिकार करने या फिर अपने आप को बचाने के लिए इसके पीछे डंक लगा होता है, जो आपके अंगूठे जितने बड़ी साइज की होती है। हालांकि इनके डंक दिखने में ही खतरनाक है, क्योंकि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो ज़्यादातर वर्षा वनों में पाए जाते हैं। लुआ लुआ वार्म, ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, जो मक्खियों के साथ उड़कर आप तक पहुँच जाता है। फिर जब मक्खी आपको काटती है तभी ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो आपके पूरे शरीर में रेंगते हुए 17 साल तक जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि आपको इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा, और ये आपके अंदर रहकर शरीर के तरल पदार्थ खाता रहेगा और आखिरी में आपके आँखों तक पहुँच जाएगा, जिसे आप आईने में देख सकते हैं। इसी तरह के मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रीसेंट इंडिया को। धन्यवाद।